हेलो दोस्तों, सभी छात्रों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, जितने भी छात्र झारखंड बोर्ड से हैं, कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं में हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आई हुई है। दोस्तों, झारखंड सरकार जो है कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में 1500 से लेकर 2300 रुपये तक जो है धनराशि प्रदान करेगी, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, पहले क्या होता था कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती थी, लेकिन दोस्तों आज जो अपडेट आई है उसमें ये साफ साफ झारखंड की सरकार की ओर से जो बताया गया है, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि अब जो है सामान्य वर्ग के छात्रों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी और कितने कितने की धनराशि दी जाएगी, इस वीडियो में पूरी बातें आप लोगों को बताने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि झारखंड बोर्ड से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों, यहां पर बताया गया है कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 9वीं से 12वीं तक के जो सामान्य छात्रों को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। दोस्तों, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं के छात्रों को जो है धनराशि प्रदान की जाएगी छात्रवृत्ति के रूप में, और पहले क्या होता था कि उच्च कैटेगरी के छात्रों को, यानी कि सामान्य वर्ग के छात्रों को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी, लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ कि झारखंड सरकार ने ऐलान कर दी है कि इस बार से जो है, यानी कि दोस्तों इस बार से जो है कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को जो है सामान्य वर्ग में है या सामान्य वर्ग में आते हैं, तो उन सभी छात्रों को जो है छात्रवृत्ति के रूप में धनराशि प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, यहां पे बताया गया है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को भी अब छात्रवृत्ति मिलेगी। दोस्तों, यह खुशखबरी बहुत ही बड़ी है। आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अब जो है छात्रवृत्ति जो पहले मिलती थी वो अलग अलग कैटेगरी में मिलती थी, जो कि उच्च कैटेगरी थे उसको उच्च कैटेगरी वाले को नहीं मिलती थी। और दोस्तों, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि पहले क्या होता कि सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी होते हैं उनको जो है छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती थी, लेकिन दोस्तों ये जो अपडेट आई है उसमें यह बताया गया है कि अब यहाँ पे कह रही है कि कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के जितने भी छात्र हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हैं, उन सभी छात्रों को जो है जो सामान्य वर्ग में आते हैं उनको भी जो है अब छात्रवृत्ति मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पे कह रही है कि वर्ष 2021-22 से इसकी शुरुआत जो है की जाएगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के बजट में जो है छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, 10 करोड़ जो है बहुत ही बड़ी राशि होती है, जो कि आप सभी छात्रों के लिए जो है प्रावधान किया गया है। दोस्तों, यहां पे बताया गया है कि कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों को जो है प्रतिवर्ष 1500 रुपये व कक्षा 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 2300 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। यानी कि कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के छात्रों को जो है 1500 रुपये, यानी कि 1500 रुपये जो है प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। और रही बात कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं की, तो कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को जो है प्रतिवर्ष 2300 रुपए जो है धनराशि के रूप में छात्रवृत्ति दी जाएगी। दोस्तों, यहां पे बताया गया है कि राशि मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत जो है दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि कक्षा 1 से 8 तक के सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जो है वर्ष 2020-21 में छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत जो है ऐसे विद्यार्थी जो किसी विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रवृत्ति योजना के तहत नहीं आते हैं उन्हें भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, इसमें साफ साफ ये बताया गया कि जो पहले सामान्य वर्ग में छात्र आते थे, विद्यार्थी आते थे, उन सभी छात्रों को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती थी, लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ कि चेंजिंग कर दिया गया, उसमें कुछ बदलाव किया गया है कि अब ये कहा गया कि सभी वर्ग के साथ में, दोस्तों जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कि जो सामान्य वर्ग में विद्यार्थी आते हैं उनको भी जो है अब छात्रवृत्ति दी जाएगी।